जैसा कि प्यारेलाल जी, पिछले लंबे समय से आपका अमन अनशन जारी है और पूर्व में भी आपने लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन राज्य सरकार अभी तक आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या आपकी रणनीति है, क्या रूपरेखा और क्या प्रदेश की नर्सेज के लिए आपका संदेश है, आप अवगत करवाएं? हमारे राजस्थान के सभी सम्मानीय नर्सेज लीडरों को प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से सादर अभिवादन। जैसा कि आज हमने शाम को एक मैसेज डाला था कि सभी जिलों के अंदर अपने जिला हेडक्वार्टर पर हम रणसन करेंगे, परंतु कुछ साथियों का एक मैसेज आया कि क्यों नहीं हम जयपुर में आके और यहाँ धरनास्थल पर बैठे। तो आज यहाँ मुख्यालय समिति की धरनास्थल पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन बहुत सारे काफ़ी लोग थे। सबकी राय थी कि हम उनका सम्मान करते हैं, यहाँ आते हैं, परंतु यहाँ से आना और जाना 3 दिन उनके बीच में खराब होते हैं। और वही अगर यही न्यूज़ अगर पूरे राजस्थान के तमाम 50 जिलों से अगर वो न्यूज़ बने कि चाहे 10 स्टाफ बैठे या 15 बैठे या 5 बैठे, जितने भी उनकी व्यवस्था है, हमने की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैसे आपके पास व्यवस्था हो। हमारा 29 तारीख से कर्मी कल था, 30 तारीख को हमारे साथी भाई राम राजेंद्र राणा और के यादव जी वो 4 तारीख रहे, उनको चिकित्सा बोर्ड के द्वारा उनको भर्ती का आवेदन करने के बाद मैं प्यारेलाल चौधरी भाई धन्नाराम ने महिपाल समोता पवन मीणा शक्ति सिंह और आज हमारे साथ भाई भूदेव हमारे प्रांतीय सचिव भी इस भूख हड़ताल में जुड़ गए। और कल मैं आपके माध्यम से राजस्थान के तमाम नर्सेज के SMS के मुख्य द्वार पे तक एवरीवन जितनी संख्या आप सोच रहे उससे ज़्यादा बहुत आत्मा कल यहाँ SMS के मुख्य द्वार पे लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। आपने जो कहा कि क्यों नहीं हम जयपुर आए, तो हमारी सब लोगों की राय थी कि समय बहुत कम है, अगर राजस्थान के तमाम जिलों से न्यूज़ अखबार के माध्यम से प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों के पास कि राजस्थान के तमाम जिलों में नर्सेज अपने सरकार के वादा के खिलाफ ही खिलाफ अमरनसन बैठे, तो शायद उसके बेहतर परिणाम आएंगे। अब हमारे साथ हमारे साथी भूदेव जी आपके पास बैठे हैं और मैं एक बार कह रहा हूँ जिसमें चूरू की हम हमारी शाखा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वहाँ के कल 15 साथी भाई सुमेर सियाग वहाँ के प्रदीप संयोजक जी हैं, रोशनी कसवा, दयानंद पुनिया, महेंद्र राम गोपाल इसरान सभी साथी बैठ रहे हैं। हम भूदेव जी आपको बताएंगे कि हम आगे आज क्या करना चाहते हैं। जी बताइए भूदेव जी, आगे आपकी रणनीति और रूपरेखा क्या रहेगी? राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के सभी जिलों के संयोजकगण एवं जितने भी नेता हैं उन सबको संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से ग्रेट सलूट। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान की सरकार ने नर्सेज के साथ जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध में 29 तारीख से क्रिमिकंसन और 30 सितंबर से आमरण अनशन का SMS अस्पताल के गेट नंबर 3 पर स्टार्ट किया गया। उसमें राजेंद्र राणा जी और के यादव जी आमरण अनशन पर बैठे। 4 तारीख को उनकी तबीयत नाजुक होने के कारण मेडिकल बोर्ड ने उनको चिकित्सीय किया सुविधा के लिए कहा और प्रशासन ने उनको ICU में भर्ती कराया। उसके बाद भाई प्यारेलाल जी के नेतृत्व में भाई पवन जी, भाई धन्ना नाम नारायण जी, भाई महपाल जी ने आमरण अनशन उन्हें शुरू किया जो लगातार 6वें दिन आज जारी है। आज भाई शक्ति सिंह जी और मैं स्वयं भूदेव धाकड़ धरने पर आमरण अनशन पर बैठे। मैं सभी 50 जिलों के जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गण हैं, जिला संयोजक, उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने जिलों पर अपनी क्षमता अनुसार आमरण अनशन स्टार्ट करें, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में वहाँ से खबर जाए और सरकार तक हमारा मैसेज पहुँचे। और सरकार तक ये मैसेज पहुँचाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसलिए सरकार को ये मैसेज पहुँचाना तभी संभव है जब आप सभी जिलों पर अपना आमरण अनशन स्टार्ट करेंगे। जय संगठन, जय नर्सेज।